केम छो बदा। सो एज यू कैन सी कि अभी हम लोग जो है अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है एक्सपो हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है जो खास करके फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए। मेजॉरिटी जो स्टॉल्स होंगे वो वेडिंग और फैशन, ये सारे मार्केट को ज़्यादा कवर करेंगे कि यहाँ पे गुजरात में ये कम्युनिटी ज़्यादा है फोटोग्राफर्स के। सो लेट्स गेट इन, देखते हैं कौन से नए कैमराज आए हैं, कौन से नए लॉन्चेस हुए हैं, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आए हैं। आई होप यू स्टे ट्यून्ड। ऐसा ही और एक वीडियो भी हम लोग ने डाला था यहीं पे, ये गुजरात का ही लास्ट टू लास्ट ईयर डाला था, आज वापस हम लोग आए हैं ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन कवर करने के लिए। सो लेट्स गेट इन, सी हाउ इट गोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सभी को भी मेंटर को मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है लोगों आ संस्थाना मेंबर्स है। फोटोग्राफी एंड प्रोडक्ट 12 वर्ष की फोटोग्राफी इंडस्ट्री साथे जुड़ाया छे। वेडिंग फोटोग्राफी अने सोनो मेट्रोग्राफी ना स्पेशलिस्ट छे मानसी ठक्कर फ्रॉम मुंबई। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी ऑनरेबल गेस्ट्स के लिए। फोटोग्राफी का हुआ बॉम्बे में, वो भी मैंने अटेंड किया है, इधर का भी मैंने अटेंड किया। बट एक चीज मैं बता दूं कि CGPTI जो काम कर रहा है वो बाकी के कोई लोग नहीं करते। ये फोटोग्राफर की चिंता जी आ संस्था करे थे, क्योंकि हमें ना समय वो आवानो थे कि फोटोग्राफरों ने एक आवानी जरूर थे। आ लोको हमारा गांव સુધી આવ્યા, કીધું તમે બસ લઈને આવો, બસ ના પૈસા અમને આ લોકો આપે છે સાહેબ। તો અમે આખા ગામડામાંથી અહીં આવીએ છીએ વર્ષોથી, અને આ બધી ઘણું બધું શીખ્યા છીએ। આજે અમને ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ મળ્યો છે, તો આ મારી પાઠશાળા છે, મારી માતૃભૂમિ કહું। એક સાથે આટલા મેન્ટર્સ એક જગ્યાએ ક્યારે ભેગા નહીં થયા હોય, એમ આઈ રાઈટ? સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ એક્ઝિબિશન, ઇટ્સ એન ઓનર ગુજરાત માટે। तो अभी जो है हम लोग एग्जीबिशन के अंदर आ चुके हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो तो है ही, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोनी है, नाइकॉन है, एंड जो है एप्सन भी है, ज्यून भी है। सो ये सारे बड़े ब्रांड्स है ही, उन्होंने अपने बहुत सारे अलग अलग कैमराज लॉन्च किए हैं। निकॉन ने Z8 लॉन्च किया है, सोनी ने भी काफ़ी सारे कैमराज उनके लॉन्च किए हैं। सो अभी जो है वहाँ पे उन्होंने लाइव मॉडल शूट रखे, सभी यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई कर सके उनके लेंसेज और कैमरा, वो सब भी है। सो अभी जो है हम लोग अंदर जाएंगे एंड वी कैन सी रन थ्रू करेंगे कि पूरे एग्जीबिशन में क्या क्या है, कौन से स्टॉल में कौन सी यूनिक चीज़ें हैं। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि ये स्टॉल में कुछ नया है एंड यू नो समथिंग टू परचेज ऑफ, तो आप लोगों को नंबर की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिखा देंगे। अभी जो है हम लोग कॉर्निका मिनोल्टा का भी यहाँ पे स्टॉल देख रहे हैं। ये लोग यूजुअली प्रिंटिंग में और जो है लाइट मीटर्स, कलर मीटर, ये सारी चीज़ें जो है बेचते हैं। सो यहाँ पे भी उनका पूरा का पूरा स्टॉल लगाया हुआ है प्रिंटिंग फैसिलिटी के लिए। सो अभी जो है हम लोग डिजिटेक के स्टॉल पे आए हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी लाइट उन्होंने डिस्प्ले के ऊपर रखी है। सो लेट्स सी कि उनके पास कौन सी सारी लाइट्स जो है यहाँ पे है। अभी यहाँ पे देखिए सबका वॉट्स लिखा और ये RGB लाइट है वो भी लिखा है। अभी जो हम लोग इनको यही पूछ रहे हैं कि उनके पास नया प्रोडक्ट कौन सा है, और ये जो एक टेलीप्रॉम्प्टर है, फोल्ड लेंस, 1 सेकंड टेलीप्रॉम्प्टर, वो क्या होता है? लेंस को का ये टेलीप्रॉम्प्टर है, जो कि कैमरे जो अभी तक जो कैमरे के आगे सिर्फ यूज करते थे उसके साथ साथ में मोबाइल डिवाइस के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमने सारे एसेसरीज उसके इंक्लूड करके रखे हैं आपको, मोबाइल में अगर लगाना मोबाइल के लिए दिया। तो जो जो सारे यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको याद नहीं रहता कि सामने बोल के कैमरा के सामने कैसे बोले, भूल जाते हैं, उनके लिए ये टेलीप्रॉम्प्टर बनाया जाता है ताकि जो है आप अपने फोन के आगे लगा सकते हो। पर ये कैमरा के आगे भी लगेगा, और फोन के आगे भी डिवाइस दिए हुए हैं, इनको आप अटैच कर पाएंगे। इनके साथ में अगर आपको उसको ब्रेक करना है तो आप उनको रिमोट भी दिया है, टेलीप्रॉम्प्टर का अगर आपको रुकाना हो, उसको आगे प्ले करना हो, उसके लिए भी होता है, उसके लिए भी आपको ये काम आता है। यूजुअली टेलीप्रॉम्प्टर्स बहुत ही हार्ड होते हैं लगाना, और ये ऐसा कह रहे हैं कि 1 सेकंड में ही हो जाएगा सब कुछ।
देखो ये पूरा का पूरा हुड लगा हुआ है टेलीप्रॉम्प्टर में, यहाँ से जो है आपका लेंस या कैमरा जाएगा, यहाँ पे आपका फोन लग जाएगा और आप जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन में पूरा देख पाओगे। इसका कोई ऐप है या आपको? नहीं नहीं, डायरेक्ट से आपके मोबाइल में जो रहेगा वो आपको आगे बढ़ेगा खुलेगा, उसके लिए ऐप रहेगा ना इसका? ऐप नहीं आएगा, लेंस को का ये आपको स्कैनर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन कर लेने का, उसका ऐप ही आएगा। हाँ वो ऐप आएगा ना, तो डाउनलोड करना है, उसके बाद उसके अंदर काम करना है, मतलब आपकी स्क्रिप्ट वहाँ पे रख दो और काम हो जाएगा जी। इसमें सारे बाकी आपके एलिमेंट्स आपको दिए हुए, ये अलग अलग वो दिए हुए हैं, ये इसके अंदर फिट कर देने का। अच्छा, ये सर 6-7 अलग अलग एमएम के हैं जो लेंस हैं आपके पास। अच्छा, अलग अलग एमएम के दिए गए। अच्छा ओके, और कौन सा नया प्रोडक्ट आया? नया प्रोडक्ट में अभी हम लोग अभी नया ये फॉग लेकर के आए हैं, फॉग मशीन लेकर के आए हैं। ये कितने का पड़ेगा टेलीप्रॉम्प्टर? 16,000 16,000। और ये फॉग, सॉरी टेलीप्रॉम्प्टर जो है 4,500 का। हाँ मैं वही सोचू, 4,500 4,500 रुपए का है। और ये फॉग मशीन 16,000 रुपए का, फॉग मशीन 16,000 रुपए का है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप जरा दिखाइए इसको कैसे यूज करें। सो अभी यहाँ पे हमारे पास फॉग मशीन है जो काफी 16,000 रुपए का, 16,000। ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा? ये मल्टी यूटिलाइज है मैडम, इसको प्री वेडिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारा मल्टी यूज करते हैं। इसका बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आई लाइक प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, ड्राई आइस में, पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट में मिस्ट क्रिएट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। सो अभी आप देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग जो स्टूडियो के बैकग्राउंड जो रहता है वो है, जैसे कि अगर आप बेबी शूट करते हो तो फर वाला बैकग्राउंड चाहिए, या पीछे अगर हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं ना वो सारी चीजें, जो कपड़े का बैकग्राउंड रहता है देखो वो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है सारा। और आप यहाँ पे देखिए कैनन का ऑफिशियल डीलर जो रहता है, सारे जो प्रिंटिंग करवाने के लिए जो रहता है, वो सारे मशीन्स यहाँ पे रखे हैं। अभी इसके हम लोग आगे जाएंगे। अब जो है यहाँ पे टैमरॉन का भी स्टॉल लगाया है, टैमरॉन के अलग अलग लेंसेज है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो है यहाँ पे 150-500 जो सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को काम में है वैसे लेंसेज है, और वहाँ पे जो है उनके पास प्राइम लेंसेज भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो शेडोज क्रिएशंस का आई गेस हम लोग ने लास्ट व्लॉग में भी इनको कवर किया था। ये जो है अलग अलग इफेक्ट्स वाला सब बेचते हैं, आप देख पा रहे हो कि वेडिंग की रील्स के लिए भी है, एंड देन यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ऑयल पेंटिंग इफेक्ट करना हो तो उसके लिए भी उन्होंने ग्राफिक्स रेडी किए हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने जो हैदराबाद ब्लॉग किया था तब भी उनका स्टॉल था, आप अगर देखोगे आपको वहाँ पे भी मिलेगा। फिर DMX का हम लोग ने लास्ट टाइम जब हैदराबाद का किया था, अभी रिसेंटली जब किया था तब भी इनका दिखाया था। ये जो है अलग अलग PSDs रहती है, एल्बम का जो ग्राफिक्स वगैरह रहते हैं वो सब बेच रहे हैं। सीट है अलग अलग, जो आप वीडियो ग्राफिक्स वगैरह देखते हो ना वही सारी चीज़ें हैं, PSDs वगैरह। और देखो यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल प्रेस मतलब एल्बम का बुक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग एल्बम्स के डिज़ाइन वगैरह है। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रिंटिंग भी दिखाई है अपनी, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे जो अलग प्रकार की घड़ी है या वॉच है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। आपके पास कुछ ऐसा है जो आपने एकदम यूनिक क्रिएट किया हो? ये वाला अभी जो है वो लोग ने एक LED पैनल के ऊपर आपका ट्रेलर प्ले हो और आपके पास एल्बम यहाँ पे दिखे, उस प्रकार का बनाया है। और कुछ है जो एकदम अलग अपने बनाया, जो क्रिएट किया, जो वेडिंग इंडस्ट्री में कुछ नया लगेगा? देखिए वहाँ पे जो है एक्रेलिक के ऊपर उन्होंने फोटो प्रिंटिंग की है, कार्विंग किया है, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे फोटो उसने एक्रेलिक पे ऐसे छापा है, जो काफी डिफरेंट लग रहा है। ये सारी नई नई चीजें जो है आप यहाँ पे देख पाओगे। वो वॉच भी इंटरेस्टिंग है, वो वॉच दिखाइए। ये देखिए ये वॉच काफी यूनिक लग रही है, उसमें गोल्ड एम्बॉसिंग किया है, वो काफी अच्छा लग रहा है। सो जब आपका शादी हो ना तो शादी के बाद आप उनको एक साथ गिफ्ट कर सकते हो ताकि वो अपने रूम में लगा सके। अभी आप देखिए उनका जो विजिटिंग कार्ड है मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो। हम लोग कोडाक के स्टॉल पे जाएंगे। सो कोडाक अभी तक फिल्म बेस्ड कैमराज में ही पॉपुलर था, बट अब ऐसा नहीं है, वो लोग नई नई लाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। एज यू कैन सी ये लाइट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। भैया इसका प्राइस क्या है? ये 6,000 रुपए का लाइट है और मुझे इसका पावर बहुत अच्छा लगा। कोडाक का लाइट है ये, ठीक है। बैटरी ऑपरेटेड है या पावर जनरेटेड है? पावर से होगा। अच्छा ओके, तो बैटरी ऑपरेटेड कौन सी लाइट है जो काफी किफायती हो? ये वाली लाइट कितनी है? 6,500 की है।
अच्छा, और ये बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से चलेगा और एसी से चलता है। फिर इसके आगे फिर आपका ये हैंडल मिलेगा, जिससे देखो यहाँ पे उन्होंने एक हैंडल भी दिया है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड सर्कुलर लाइट है, जो मुझे शेप अच्छा लगा। ये जो है आप हाथ में पकड़ के डायरेक्ट काम कर सकते हो। कितना टाइम बैटरी चलेगा इसका? 3 घंटे का बैटरी चलेगा। ओके, ये वाला लाइट भी अच्छा है। आई गेस जून का भी लाइट ऐसा आया था, जो अभी कोडक ने भी लॉन्च किया है। ये कितने का है? 8,000 का है। सो प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव रखा है एज कम्पेरेटिवली। ये भी बैटरी ऑपरेटेड रहेगा। देखो इसके वहाँ पे जो है इन्होंने एक्स्ट्रा बैटरीज लगाने के लिए भी दिया है, तो आप आपकी 2 बैटरीज यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि 3 घंटा नहीं तो 12 घंटा आप चलाते रहो, जितना आपके पास बैटरी आप उसमें अटैच करते हो। तो वो सोनी का जो बैटरी आता है वो लग जाएगा, वो इसमें लग जाएगा। और ये जो है आप यहाँ से पकड़ के काम शुरू कर सकते हो। कितना? 70 वॉट का लाइट रहेगा। ठीक है, ये RGB है या बाई है? नहीं, बाई 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 है ना। ओके, बाई है। ठीक है, और कौन सा लाइट आया है जो वेडिंग में बहुत काम वेडिंग में? तो फिर ये मैडम कंटीन्यूअस लाइट वगैरह है, ये 300 नंबर लाइट है। ये वाला लाइट लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ये स्टेज पे यूज करते हैं, वेडिंग में स्टेज के ऊपर या मंडप के अंदर जो हम लोग हैलोजन यूज करते हैं, उसके बदले आप व्हाइट लाइट्स यूज कर सकते हो। कलर टोन ज्यादा बेहतर आएगा, राइट? एलईडी लाइट में क्या 1000 वॉट आता है, ये 300 वॉट ओनली है। और इसी में 1000 वॉट है, अगर सपोज एलईडी लाइट सॉरी पोटा लाइट में अगर 1000 वॉट है और आप में अगर 300 वॉट है, तो इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगा? इसका ज्यादा रहेगा, बल्कि उसमें टूटने फूटने का डर रहता है, इसमें कोई डर नहीं है। टूटने फूटने का तो चलो डर है, मैं आपको वोल्टेज का बात कर रही हूँ। सपोज कि आप 2-4 हैलोजन एक मंडप में लोग लगाते हैं, तो जो स्किन का शार्प वो डायरेक्टली लगाते, छतरी लगाते हैं, छतरी लगाते हैं बराबर, तो उससे उसका कम हो जाता है। लेकिन इसको आप सॉफ्ट करें, इसकी लाइट्स बिल्कुल सॉफ्ट आएगी इसकी लाइट। अच्छा, और उसके तो बड़ी हार्ड होती है, तो उसमें ये 300 वॉट है, वो 1000 वॉट है, वो केवल ट्यूब का है सर मैडम, ये एलईडी का है। उससे ज्यादा हाँ बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? वो उसकी जो ट्यूब आती है ना वो 1000 वॉट की होती है। हाँ। और उसकी जो एलईडी है 300 वॉट, लेकिन उसकी जो व्हाइटनेस होती है ना वो प्योर व्हाइट नहीं होती है, वो ओनली व्हाइट येलो होती है। इसमें व्हाइट भी है येलो भी है, दोनों भी है। सर मैं आपका कलर समझी, मैं आपका ट्यूब और एलईडी का कॉन्सेप्ट समझी। ये तो जब आप लगाओगे ना तब पता लगेगा, ऐसे बताने से पता लगेगा। अच्छा। अभी आपको मेरे सामने होती ना वो, तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन आजकल वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आजकल जो 99% ये चल रहा है। अगर टेक्निकली मैं आपको पूछूं तो कैसे फर्क पड़ेगा, जब ये कम वोल्टेज का है तो वो एक पोटा लाइट को कैसे कम्पीट करेगा? वो तो मैंने सामने हूँ, मैं बताऊँ आपको, दिखाऊँ आपको, मैं आपको अभी सामने नहीं आता, आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, वो आप खुद ही देखोगे। रीजन क्या है उसका, कारण क्या है, किस चीज का, कि भाई ये उससे बेहतर है, उसका कारण क्या है? कारण तो ये मैडम, वो 1000 वोल्ट अगर आप वोल्टेज में देखें तो इसका 300 वोल्ट में उससे ज्यादा इंसिडेंट भी देता है। इसके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केवल एक रॉड है केवल, लेकिन इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं ना अलग से, कंपनी ने अलग से बनाया है इनके। उन्होंने कहा कि जो पोटा लाइट रहती है वो 1000 वॉट की रहती है, ठीक है, और ये जो है 300 वॉट की है, पर ये उससे ज्यादा बेहतर काम करेगी। एक्चुअली मैं आपको एक बात कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, पोटा लाइट पहले इसलिए बनता था क्योंकि पहले कैमरा उस हिसाब से टेक्निकल कैमरा था, वो उस समय लाइटिंग का बहुत, कैमरा में लाइटिंग बहुत डल होती थी, तो उस समय क्या होता था कि हैवी लाइट हमें थ्रू आउट हो जाते चाहिए था, जो इसलिए हम लोग पोटा लगाते थे 1000 वॉट के लगाते थे। बट अब क्या है, कैमरा काफी एडवांस आ चुका है, अब उसको केवल सॉफ्ट लाइट चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस लाइट। इसलिए कोडेक के पास मल्टीपल यू नो द रेंज है अभी कंटीन्यूअस लाइट में, 125 वाट, 225 वाट एंड 300 वाट, राइट? नहीं पर आप जो कहते हैं उससे वोल्टेज कम रहेगा ना, मतलब क्वालिटी में जो शार्पनेस? नो, एलईडी इज इफ यू आर इक्विवेलेंट विद द पोटा लाइट ना, वो एक थ्रो लाइट है, ये सॉफ्ट लाइट है। इट मींस नॉट कि लाइट कम है, सॉफ्टनेस है, कूलनेस है, लाइट उतना ही है, लाइट में कम है। अगर आप सपोज मैं एग्जांपल बताऊं, वोल्टेज कम था इसके लिए मैंने पूछा, नो, यू कैन कंपेयर विद इट ना, नो इशू। अगर सपोज दैट मैं एग्जांपल दूं, आप 100 वाट को 1000 वाट से अगर आप कंपेयर करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप 1000 वाट को तो आप उसी के सिमिलर लाइट से कंपेयर करोगे ना। मैं इंटेंसिटी की बात कर रही हूं कि अगर पोटा लाइट का जो 1000 वाट का इंटेंसिटी है, इसके इंटेंसिटी से तो ज्यादा ही रहेगा ना। नेवर नॉट मैम, अगर मैं 400 वाट लगा दूं तो मैं आपसे, मतलब मुझे नहीं, मैं आपसे, दैट्स व्हाई आई एम गाइडिंग यू, नेवर नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे? पर उसका टेक्निकल रीजन क्या है? टेक्निकल रीजन यही है मैम, क्योंकि लाइट का उसका थ्रू आउट बहुत ज्यादा है ना। हाँ। वो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। हाँ। क्योंकि आपको अगर 1000 से 1000 के इक्विवेलेंट में लाइट चाहिए, तो आपको उसी के सिमिलर में लाइट परचेस करना पड़ेगा। हाँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। सपोज अगर हम 100 वाट के बल्ब को अगर 30 वाट के बल्ब से कंपेयर करें, तो वो कैसे दिखाएगा? सेम दिखाएगा आउटपुट? नो। तो 100 वाट के बल्ब को हमको 100 वाट के एलईडी में इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि इसमें 100 वाट ले, इट मींस मैं कह रहा हूं कि 300-400 वाट का आप लाइट लीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 वाट। ये 100% एमसीओ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये 300 वाट है, ये
ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं कि 800 to 900 वॉट का जो आपका पोर्टा लाइट है व्हाइट लाइट जो होता है येलो लाइट, वो उतना आपको बैकअप दे देगा। बट अगर मैं 400 वॉट लगा दूं वो आपका एवब हो जाएगा। बट लाइट का रीजन क्या है, मैं वही पूछ रही हूं, लाइट इज कूल, इसका रीजन टेक्निकल रीजन क्या है, इसका क्यों एक पोर्टा लाइट जो 1000 वॉट का है और ये 300 वॉट का होने के बावजूद उसको कंपीट कर पाएगा, इसका टेक्निकल रीजन क्या है? इसका इसमें जो लाइट लगी है, इसमें जो चिप लगा है जो लाइट के ब्राइटनेस को या केल्विन को कंट्रोल कर रहा है, वो काफी बेटर क्वालिटी का है। अच्छा। वो 5 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले इंडिया में नहीं था। अच्छा। 5 साल पहले वो वहां पे एक ही सॉल्यूशन था, वो पोर्टा लाइट सॉल्यूशन था। बट हमारे पास अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब आप बोलेंगे कि नॉर्मल कैमरा वो मिररलेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। पहले वायरलेस छोटा माइक कहाँ होता था, इतनी बड़ी माइक होती थी। बट अब ये छोटा माइक आ गया ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये आपको नॉइस कैंसिलेशन बेटर नहीं दे रहा या आपका रिकॉर्डिंग बेटर नहीं है, सब कुछ है आपके पास। बट वो छोटा हो गया क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी अपना इंक्रीज किया। इस लाइट का जो टेक्नोलॉजी है वो काफी हमने एडवांस बनाया, इसलिए वो मोर देन बराबर है। और ये ज्यादा बेहतर पड़ेगा एक मंडप में, आपको जो एकदम वार्म लुक हो जाता है, सारा जो पूरा मंडप लाल होता है वो पूरा रिफ्लेक्ट करके पूरा गोल्ड चमड़ी कर देता है, इसके बदले एकदम कूल रखेगा। राइट मैम, काफी सॉफ्ट लाइट हो, काफी कम थ्रो आउट हो। हम लोग इस लाइट को एक काम और कर सकते हैं जो ओक्टा हम लोग पोर्टा में नहीं करते थे। पोर्टा क्या होता था, वो हराश लाइट होता था, वो आंखों में चुभता था। वो पोर्टा लाइट जलाने का मतलब है कि अगल बगल कोई भी है वो हीट होता था लाइट, बट इसमें कोई हीटनेस नहीं है, लाइट थ्रू आउट उतना ही मिलेगा। और इसमें कोई अंधेरा डालने की जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल जरूरत है। इसमें लालटेन आता है पहले पोर्टा को, यस मैम, यस यस यस, दिस टाइप ऑफ, पहले पोर्टा को डिफ्यूज करने के लिए हम लोग अम्ब्रेला लाइट लगाते थे, बट अब कंटिन्यूस लाइट को डिफ्यूज करने के लिए हम लालटेन लगाते हैं या हम ओक्टा लाइट लगाते हैं। ओक्टा ये जो आपका, ये ज्यादा सॉफ्ट होकर इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगा? ये मैम इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको अगर सॉफ्टनेस बिल्कुल कूल चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको डिफ्यूज करना ही पड़ेगा लाइट। और आइए, संगीत के स्टेज पे जरूरत नहीं है लैंटर्न का। एक बार शादी के मंडप में मैं अभी भी समझू, संगीत जहाँ पे इतना हार्ड लाइट ऑलरेडी हर जगह से आ रहा है, ये डायरेक्ट डाल दोगे तो भी चलेगा 100%। यहाँ पे देखो लीटोलो हाउस करके है जो मैटरनिटी और न्यू बॉर्न शूट के लिए सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स वगैरह, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह उन्होंने रखा है। फिर जो हमारे रैपिंग कपड़े रहते हैं वो सब भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे बच्चे के जो है उन्होंने यहाँ पे प्रॉप्स रखे हैं। आप देख पा रहे हो छोटे ग्लासेस रहेंगे या छोटे कपड़े भी रहेंगे, ये कपड़े भी उन्होंने यहाँ पे सारे रखे हैं, फ्रॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आप रेंट पे देते हो या बेच रहे हो? डायरेक्ट बेच रहे, बेचते हो। अब देखिए यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी शूट रहता है, तो न्यू बॉर्न बेबी शूट के लिए इन्होंने यहाँ पे कपड़े रेडी रखे हैं, आपको डायरेक्ट जो है यहाँ से खरीदना है। तो अगर आप जो है उसको हेयर बैंड बनाना चाहते हो तो हेयर बैंड में अलग अलग लुक्स रखे हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे छोटी छोटी फ्रॉक्स रखी है न्यू बॉर्न की, कितनी क्यूट सी फ्रॉक है। आप देखिए यहाँ पे ये हेयर, ये यूजुअली लोग ये सारे प्रॉप्स रखते हैं पर कपड़े कोई नहीं रखता है, इन्होंने कपड़े भी रखे हैं। सो देखो छोटी सी हैट रहेगी या चड्डी रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। देखो अभी ये मैटरनिटी शूट के लिए, मदर के लिए उन्होंने ये बनाया है। ये सारे जो गाउन्स रहते हैं वो सब यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखा है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। फिर आप देखिए अगर हम लोग यहाँ अंदर देखें तो अलग अलग थीम के हिसाब से भी जो है इन्होंने काम किया है। देखो अलग अलग जो थीम्स रहेंगी, वहाँ पे बारबी का थीम है, ये थीम है, वो सारे थीम्स उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। और बैकग्राउंड्स भी रखे हैं अलग अलग, अगर आपको प्रिंटेड बैकग्राउंड्स चाहिए वो भी है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है मून सन ये सारे भी, ज़्यादातर मेरे को न्यू बॉर्न दिख रहा है, न्यू बॉर्न और मैटरनिटी का शूट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रीम एक्नो करके जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसके लिए उन्होंने बनाया है। जो आप लाइव स्ट्रीम करते हो इवेंट्स में या फिर संगीत और वेडिंग में, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो अभी देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। तो है वो वही टेक्नोलॉजी थी जो आगे वाले एग्जीबिशन में थी। हमारी नई टेक्नोलॉजी है वो जो नवरात्रि का 5वां दिन होगा उसे अनवेल होने वाली है। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पर जो 4 सोर्स दिख रहे हैं उसके बदले जो नया हमारा डिवाइस आ रहा है दैट इज ST90 प्रो, उसमें 10 सोर्स आएंगे, 4 कैमरे के और 6 इंटरनल। इंटरनल क्या होगा? इंटरनल ग्राफिक, वीडियो, पावर पॉइंट, वर्ड फाइल, एनीथिंग कुछ भी आप ले सकते हो। तो अगर आप जो एक पीपीटी रन करना चाहते हो चालू लाइव में वो आप कर सकते हो, 4 एंगल भी साथ में ले सकते हो। और क्या ले पाओगे?
लोगो दिखा सकते हो, टाइटल जो इसमें हो रहा है वो तो सब कुछ इसमें होगा, बट वहाँ पर 10 प्रीव्यूज है, 10 प्रीव्यूज से आप स्विचिंग कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, 2 के साथ 8, 8 के साथ। तो जो लाइव स्ट्रीम करने के लिए हम लोग को अलग से पीसी लेके बैठ के करना है, उसके बदले यहाँ पे बॉन्डिंग डिवाइस रेडी है, आप इसी के अंदर एडिट कर दीजिए और स्ट्रीम कर दीजिए। ऑनलाइन एडिट हो जाएगा और आपको अलग से स्ट्रीमिंग कुछ अलग से बैठ के कुछ नहीं करना है। तो जो हम लोग हैवी सेटअप्स यूज करते हैं, मिक्सर सेटअप्स वगैरह यूज करते हैं, वो आपको नहीं लेना है। आपका मिक्सर सेटअप इसमें आ गया, आपका बॉन्डिंग डिवाइस भी इसमें आ गया और आप 10 अलग एंगल को एक साथ एडिट करके लाइव स्ट्रीम करके कर सकते हो। राइट, ओके। अभी जो है इनका हम लोगों ने कार्ड दिखाया है, आप देख लो। तो अभी जो है यहाँ पे मोबियस का स्टॉल है, आप देख पा रहे हो कि जैकेट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग ने काफी सारे हैदराबाद के इसमें और आई गेस ब्रॉडकास्ट में भी हम लोग ने इस स्टॉल को कवर किया था, तो ऑफकोर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे इसका भी स्टॉल है। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारे दूसरे स्टॉल्स में जाएंगे। अभी जो है हम लोग यहाँ पे यश पवन डिजिटल में आए हैं, ये भी जो है ये लोग एल्बम प्रिंटिंग करते हैं। आज इनसे जानेंगे कि उनके पास अलग अलग कौन से एल्बम्स हैं। अभी जो है आपके पास सबसे यूनिक प्रोडक्ट आप ये टाइम कौन सा लेके आए हो? हमारे पास ये स्विस लेदर में अभी है, ये बेबी प्रोडक्ट्स ये टाइम नए हैं आपके पास? अच्छा, ये सब बेबी प्रोडक्ट्स है, इसमें सब अलग अलग कलर्स वैरायटी सब वगैरह रहेगा। एक बार ये पूरा आप प्रिंटिंग भी आप ही करते हो? प्रिंटिंग हम ही करते हैं, ये आरजीबी प्रिंट है पूरा। अच्छा, और हमारे वुड में भी काफी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये क्या नया आया है? ये एक्रेलिक में है पूरा। अच्छा, इसमें फॉइल वगैरह रहेगा, ये कैनवास है पूरा। अच्छा, कैनवास, ये कैनवास पे इंडिगो प्रिंट है, ये भी नया है, पूरा का पूरा कैनवास प्रिंटिंग उन्होंने किया है, एल्बम पूरा कैनवास प्रिंट का है, ये इंडिगो प्रिंट है पूरा। ये छोटा सब बेबी प्रोडक्ट्स अलग अलग वेराइटी है। इस एल्बम का साइज क्या होगा? ये 8x16 का साइज है, 8x16। तो एज यू कैन सी कि अभी जो मार्केट है वो सारा बेबी फोटोग्राफी की तरफ काफी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है यहाँ पे उस टाइप के ही प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये जो है बहुत ही क्यूट सा छोटा सा 8x16 का एक एल्बम बनाया है जो बहुत ही क्यूट लग रहा है, सब बेबी में आप ये सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। और आपके पास वेडिंग इंडस्ट्रीज में कौन सा? वेडिंग इंडस्ट्रीज में हमारे पास मैडम ये रहा, आई गेस ये फ्रेम भी बहुत ही यूनिक है, यहाँ पे ना बच्चे का नाम लिखा है, फोटो है, कितने साइज का है, कितने बजट जन्मा है, ये 9x12 का है, 9x12 की फ्रेम है। कितने की पड़ेगी ये फ्रेम? ये 750 का पड़ेगा, 750। प्रिंटिंग विंटिंग सब कुछ मिला, सब साथ। ये भी कैनवास में है पूरा। अच्छा, प्रिंटिंग तो ये भी 400 रुपए में आप पूरा, ये पूरा, हाँ पूरा मिलेगा कैनवास प्रिंटिंग पूरा। ये अपना वुड का वैरायटी है। अच्छा, ये वुडन का पूरा एल्बम बनाया है, कवर पैड पूरा वुडन है, उसके ऊपर जो है उन्होंने एम्बॉसिंग की है। अच्छा, ये मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे जो है आप हम जो चाहे वो डिजाइन आप देते हो, कर सकते हैं। हमारा जो है यहाँ पे कोई डिजाइन रहेगा कपल का, कोई एल्बम का कुछ रहेगा, वो आप दे सकते हो। ऊपर से यहाँ पे इन्होंने कैलेंडर बनाया है, कैलेंडर में फोटोज वाला कैलेंडर है ये जो, ये इसमें क्या लगाएगा? ये रहेगा इसमें। अच्छा अच्छा, स्टैंड है उसका, स्टैंड ठीक है। मैटरनिटी में, मैटरनिटी शूट के लिए उन्होंने खास फैब्रिक वाला, देखो इसके ऊपर फैब्रिक है और फैब्रिक वाला एल्बम बनाया है, और ये जो है कवर बनाया है उसका, कवर का ओपनिंग। ओके, सो अभी जो है हम लोग ज्यून के स्टॉल पे हैं। अगर आपको पता होता कि ब्रॉडकास्ट का जो एग्जीबिशन था उसमें भी हम लोग ने ये पूरे स्टॉल को कवर किया था, और वही लोग यहाँ पे हैं, वही सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे हैं जो आप ये सारे लाइट्स देख रहे हो। मुझे इनका सबसे अच्छा ये लगता है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइट्स, उन्होंने 40 वाट की इतनी कॉम्पैक्ट लाइट बनाई है। फिर यहाँ पे जो है इनका ये फैन था, पता लास्ट टाइम हम लोग ने अगर ब्रॉडकास्ट का देखा होगा आपने, वहाँ पे उन्होंने मॉड्यूल रख के स्मोक मशीन और फैन का इस्तेमाल किया था। देखो यहाँ पे भी उन्होंने स्मोक मशीन यूज रखा है, और फिर जो है वो एक है कि आरजीबी लाइट के ऊपर उन्होंने जो है एक डिफ्यूजर पैनल बनाई है, हम लोग वो जाके देखेंगे, वो शायद वहाँ पे नहीं था, और वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारी आरजीबी स्टिक लाइट्स होती है उसके ऊपर जो है उन्होंने डिफ्यूजिंग एक जो बनाया है मटेरियल बनाया है। तो अगर आप आरजीबी लाइट्स यूज करते हो, स्टिक लाइट्स यूज करते हो, पर कभी कभी अगर वो आपको हार्ड लाइट की तरह लग रही है, तो वो जो है यहाँ पे उन्होंने देखो क्रिएट किया है। आपको मैं मॉडल की तरह रखूँ, चले। अभी जो है ये जून का लाइट है, ये स्टिक लाइट्स है, राइट? स्टिक लाइट्स हमारे पास भी होती है, पर ये जो है यहाँ पे उन्होंने रिफ्लेक्टिव मटेरियल बनाया है जिससे लाइट जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप इनका चेहरा देखोगे तो जो मेकअप वगैरह है वो थोड़ा सा शाइन करेगा, पर जैसे ही आप एक डिफ्यूजिंग मटेरियल यूज़ करते हो जो उन्होंने इनके साथ दिया है, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। आपको बस इसके ऊपर ही ऐसे लगा देना है,
तो देखो ये जो पूरा शाइन था वो सारा चला गया और काफी सॉफ्ट लाइट हो गई, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। छोटी सी बात है पर हम लोग ज्यादातर स्टिक लाइट्स यूज करते हैं वेडिंग्स में, उसके लिए हमें काफी काम का आएगा। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल फोटो बुक्स जो है उन्होंने यहाँ पे अपना फ्रेम्स डिस्प्ले किया है। कैपिटल फोटो बुक्स को हम लोग ने हैदराबाद में और AIPTI में भी हम लोग ने उसको पूरा कवर भी किया था इसके पहले वीडियोज में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे उन्होंने फ्रेम्स वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन रखे है और आई थिंक यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टॉल लगाया है इन्होंने। अगर आप देखो तो यहाँ पे वुडन फ्रेम्स वगैरह ये सारी चीजें जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले की है एज यू कैन सी। तो अभी जो है यहाँ पे एक नया ब्रांड है, ये लोग जो है फ्लैशेस लाइट्स वगैरह ये सारी चीजें बैग्स वगैरह बेच रहे हैं। दो अब जब आप दो कैमरा से काम करते हो तो एक साइड और दूसरी साइड आप दो कैमरा रख सकते हो। ये कार्ड का केस है आप देखिए, तो माइक्रो SD कार्ड और SD कार्ड CF कार्ड ये सारी चीजें आप एक ही जगह पे रख सकते हो एक के ऊपर दूसरा। ये कितने का पड़ता है? 300 रुपए का। काफी अच्छा बात है। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो है कार्ड मिसप्लेस हो गया, कार्ड में मॉइस्चर लगा, कार्ड करप्ट हो जाए, तो यूजुअली हम भी जो है ऐसे कार्ड बॉक्सेस लेके रखते हैं। कुछ 300 रुपए का है पर कितना अच्छा पड़ जाता है, SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, CF कार्ड, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे आप देखिए लेजर कटिंग मशीन भी यहाँ पे रखा गया है। काफी सारी बार इसकी आजकल डिमांड हो गई है कि फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा हमारा चेहरा जो है वो प्रिंट करके दीजिए, तो जिसके पास भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ऐसी मशीन खरीदनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप ये कर सकते हो। इसका भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे एंड हम लोग आगे के स्टॉल्स कवर करेंगे। अभी हमको पता चला कि ये सारे स्टॉल्स बिगिनिंग थे, अंदर जो है और 400-500 स्टॉल्स है, तो उसके अंदर बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि आज पहला दिन है और आगे के दिनों में मैचेस है, इंडिया पाकिस्तान का यहीं पे मैच है, इसीलिए आज यहाँ पे बहुत भीड़ है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिन बॉल का स्टॉल लगा है, अलग अलग छोटी छोटी बैग्स वगैरह यहाँ पे है, आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रॉप्स रहते हैं जो बर्थडे वगैरह में रहते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे रखी है, कस्टमाइज सारी जो फोटो फ्रेम्स वगैरह रहती है। फिर इसके आगे हम लोग जाएंगे यहाँ पर जो है सारे जो आप इंस्टेंट फोटो प्रिंटिंग में बताए ग्राफिक्स फोटो फ्रेम्स रखते हो, पेपर बैग पेपर वाले वो है। इसके आगे जो है हमारे पास गाउन्स है, मेटर्निटी गाउन्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आपको बहुत सारे मेटर्निटी गाउन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में भी रखा है, रिंकू करके नाम है इनका, जहाँ पे गाउन्स रहेंगे अलग अलग यही बेच रहे हैं। वापस एक बैग कंपनी है जहाँ पे आपको रीजनेबल बैग्स मिल जाएंगी। अभी जो है इसके आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो है उन्होंने अलग अलग जो प्रिंटिंग करवाते हैं, आप लोग इंस्टेंट प्रिंटिंग करवाते हैं, जर्मन की हाई क्वालिटी प्रिंटिंग फोटो पेपर से, तो आप जो है 8x12, 5x7 और ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है। तो इनका जो कार्ड है उनके पास अलग अलग साइजेस के जो है प्रिंटिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ है क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड बेच रहे हैं, पेन ड्राइव बॉक्सेस बेच रहे हैं, आई एम श्योर काफी रीजनेबल रेट पे बेच रहे हैं, इसीलिए भीड़ ज्यादा है। इसके आगे ये लोग भी जो है काफी सारे जो है PSDs वगैरह बेच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो उन्होंने प्रीमियर प्रो के वगैरह प्रोजेक्ट्स रहेंगे, रीटचिंग के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है, जो रील्स बनाते हैं उसके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये लोग भी वही कर रहे हैं, एल्बम की PSDs वगैरह रहेंगी, वो सारी चीजें आप कैसे जल्दी काम कर सकते हैं एक्शन के साथ वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो है वही है जो एल्बम जो फोटो प्रिंटिंग है वो सब है यहाँ पे, कोडाक का है। फिर इसके आगे जो है फाइटेक का बैग्स है, बैग्स वाले भी काफी सारे आज यहाँ पे आए हैं, तो अलग अलग ब्रांड बैग का आपको कंपैरिजन मिलता है, काफी सारी ब्रांड्स यहाँ पे आई है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो है वापस मेटर्निटी बेबी शूट के लिए अलग अलग प्रॉप्स वगैरह लोग बेच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के गर्ल बॉय ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसके आगे जो है आप देखोगे सो यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन्स, लेजर कटिंग मशीन्स वगैरह है। फिर वापस यहाँ पे जो है एक छोटे छोटे बच्चों के जो बैकग्राउंड्स रहते हैं नेचुरल विनाइल बैकग्राउंड्स जो रहते हैं वो बैकग्राउंड्स यहाँ पे वो लोग बेच रहे हैं। एज यू कैन सी काफी नेचुरल बैकग्राउंड्स है सारे, तो ये नेचुरल बैकग्राउंड्स रहते हैं। फिर इसके आगे जो है आप प्रॉप रख दीजिए, तो जब आप फोटोग्राफी करते हो तो बहुत ही नेचुरल लगेगा। तो आगे जो हम लोग ने प्रॉप्स देखे उसका आप सेटअप आगे क्रिएट कीजिए, पीछे बैकग्राउंड सेटअप करने के लिए आप ऐसे बैकग्राउंड्स कर दीजिए क्योंकि वैसे भी वो फोटो में ब्लर होने वाला है जब आप जो है 1.8 2.8 पे शूट करते हो, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दो, आगे सब्जेक्ट को प्लेस कर दो, ऐसे करके फोटोग्राफी करनी होती है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, EDS के प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, प्री वेडिंग के और किड्स के बर्थडे के टाइटल्स वगैरह बेच रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने वर्कशॉप भी दिया है उस चीज का। इसके आगे जो है हम लोग
फोटो फ्रेम्स जो रहती हैं, इंस्टेंट फोटो, वो सब है। अभी जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट्स यहाँ पे लोग भेज रहे हैं डेकोरेशन के मामले में। अगर आप एक बहुत बड़ा स्टूडियो चलाते हो या डेकोरेशन करना चाहते हो या ऐसा कुछ स्टूडियो के अंदर सेटअप करना चाहते हो, उसके लिए देखो यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स हैं और सॉफ्ट डिफ्यूजिंग लाइट्स भी है, जो यहाँ पे भी आप देख रहे हो सारे जो स्टिक लाइट्स वगैरह है वो उन्होंने रखी है, मैंने उनका नंबर दिखाया है। अभी जो है इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ACS डिजाइन वापस जो PSDs का डिजाइन रहता है एल्बम वगैरह का, वो सब यहाँ पे प्लेस किया है। सेव द डेट रहेगा, रील्स रहेगा, तो यू नो यहाँ पे इतने सारे इसके स्टॉल्स हैं, आपको एक जनरल ओवरव्यू मिलता है कौन सा आपके लिए बेहतर है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे वापस वही है जो फोटो फ्रेम हम लोग ने LED वाली देखी थी, वो यहाँ पे सारी प्लेस की है, तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली अलग अलग ब्रांड्स जो है वही चीज आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है एग्जीबिशन। सो यू नो आई वाज लाइक कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाए क्योंकि रेपिटेटिव स्टॉल्स हैं, बट जो आपका काम का है वो आप खरीद सकते हो और उसका ब्रांड का नाम तो दिखा रहे हैं। इसके बाद मुझे इनका पर्सनली काम बहुत पसंद है, इंडियन फोटो क्लब करके, इनके पास अलग अलग लट्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स है, यहाँ पे जो है अलग अलग कलर टोन के यहाँ पे उन्होंने प्रीसेट्स बनाए हैं, लट्स बनाए हैं, वीडियो के लिए लट्स बनाए हैं। अभी देखिए जो हम लोग ने लट्स देखा, पर्सनली मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो है जो गिफ्टिंग प्रोसेस रहता है ना, वो गिफ्टिंग का उन्होंने यहाँ पे बनाया है। अभी यहाँ पे जो है एक फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी, अगर आपको फ्रेम करवानी हो तो फ्रेम के भी अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे रखे हैं। काफ़ी सारे बार आपको फ्रेम का ऑर्डर आता है, आप देखो यहाँ पे फ्रेमिंग करवा सकते हो। अलग अलग फ्रेम की डिजाइन और साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है जो मैं देख रही हूँ। इनका नाम है, ये पानीपत हरियाणा से है। हाँ, तो अभी जो है आप अपने फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी देखा, ये लोग दिल्ली से आए हैं, तो आपको अगर कभी भी फ्रेमिंग करवानी हो तो उसकी जो स्टिक साइज है आपको देखना है। इसके आगे यहाँ पर भी वही है, आई गेस फ्रेमिंग ही है पर ब्लैक लाइट पैनल पे है, LED लाइट पैनल पे, यहाँ पे अलग अलग भाव के हिसाब से लिखा है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद साथ यहाँ पे सेल्फी बूथ है, वीडियो सेल्फी बूथ है जो इंदौर से है, तो आपको पता है वो 360 डिग्री बूथ रहता है जहाँ पे आपको ये वाला देखो, तो यहाँ पे आपको आपका आपका जो है फोन रखना है, सब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा रखना है और वो 360 डिग्री घूमेगा। आप जो है आप इनका नंबर देख लीजिए, 13,000 के अंदर जो है ये लोग ये चीज को बेच रहे हैं। अभी जो है हम लोग साइन अप डिजाइंस का देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड वगैरह रखे हैं और प्रीसेट्स रखे हैं लाइटरूम और EDS के, और हम लोग जो है ये एक स्विचर है, पोर्टेबल स्विचर है, एंड इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर इनपुट आपको 4 मिलते हैं, यू कैन रिकॉर्ड, आप इसके अंदर रिकॉर्ड भी कर सकते हो, इससे टाइप सी आउट लेके आप जूम, गूगल मीट, OBS से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, आपको अलग से कोई मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसी के अंदर आपको डिस्प्ले भी दिखाई देता है। सो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है एंड मिड रेंज बजट में, सो इसका प्राइस है 70,000 का। ओके ओके, कितने आउट कितने इन जाते हैं, 4, सो इसमें 4 एंगल जाएंगे, 4 इन है, 4 कैमरा इन ले सकते हैं एंड 3 आउटपुट्स है, इसमें एक HDMI PGM आउट है, एक HDMI असाइनेबल है, जैसे ये मल्टी व्यूअर है, ये मल्टी व्यूअर आपको फुल स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे चाहिए, सो यू कैन असाइन द आउटपुट एंड एक टाइप सी आउटपुट है फॉर द लैपटॉप। सपोज आप 2-3 कैमरा एंगल से आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लाइव करना है या जूम में करना है, गूगल मीट में करना है, स्विचिंग करना है, तो आप लैपटॉप में आउट स्विचर इसके अंदर ही दिया है, सो आप यू कैन स्विच, अगर अलग अलग इफेक्ट डालनी हो वो भी पॉसिबल है, इसके अंदर कट डिसॉल्व इफेक्ट आती है, 2 टाइप की इफेक्ट आती है, कट एंड डिसॉल्व, एंड पिक्चर इन पिक्चर भी कर सकते हैं, एक फुल स्क्रीन एक शॉर्ट स्क्रीन। अच्छा, तो ये काफी ही अच्छा है, अगर आप देखोगे तो इसमें आप 4 एंगल जो है इन कर सकते हो, इसमें ही आप डायरेक्ट बॉन्डिंग डिवाइस भी अंदर आएगा, सो इसमें बॉन्डिंग डिवाइस नहीं है, बॉन्डिंग डिवाइस के लिए हमारे पास अलग से लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पूरा मिक्सर ऑपरेटिंग एक्चुअली स्विचर का काम कर लेता है और 70,000 में है, और इसमें 3 इयर्स की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है। ठीक, इसके और आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे पार्ट का डिजिटल साइनेज भी है, और यहाँ पे अलग अलग फ्रेम्स वगैरह रखी गई है जो आप गिफ्ट वर्क के लिए यूज कर सकते हो, इनका नाम है पार्थ डिजाइन। अभी जो है नटराज एंटरप्राइज में, ये पुणे से आए हैं और इनके पास जो है वो भी अलग अलग बैग्स वगैरह है। इसके आगे जो है हम लोग टिया क्रिएशन का देख रहे हैं, अलग अलग रैप्स है उनके पास, रैप्स जो स्किन भी है, तो कैमरा की स्किन वगैरह वो ये सारी चीजें बेच रहे थे। अभी जो हम लोग स्काई वाई ब्रॉडकास्ट में आए हैं, ये लोग जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमिंग, इन टर्म्स ऑफ कैमरा जो स्ट्रीम कर सकता है उसके लिए। आप अपनी प्रोडक्ट में सबसे यूनिक चीज कौन सी आई है? पेंटिल जूम कैमरा है। पेंटिल जूम कैमरा वो क्या करता है? ये आपका ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पे यूटिलाइज होता है, प्लस आप इससे स्टेज शो कवर कर सकते हो, जागरण के शोज कवर कर सकते हो,
एंड उसका जो कंट्रोलर है ये 7 कैम्स कंट्रोलर है, मतलब इसमें एक साथ 7 कैमरे एक साथ आपके ऑपरेशन में आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसमें 255 अपनी मेमोरी सेव कर सकते हो, 255 GB स्टोरेज प्लेसिंग होती है कि 255 एंगल्स मैंने सेव कर लिए, अब मुझे जिस एंगल्स को मुझे कॉल करना है मैंने खाली कॉल देनी है, कैमरा मेरा ऑटोमेटिक पैन हो जाता है। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैम ये देखिए, मैंने 1 नंबर कॉल्स किया, इसको 1 नंबर पे जो मैंने इसको प्लेसिंग दे रखी उस एंगल पे चला गया, ऐसे ही अगर मैं 5 नंबर्स की कॉल दूंगा 5 नंबर्स पे ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। अच्छा, ये अपने स्टूडियो के लिए भी यूटिलाइज होता है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन टीचिंग के लिए भी यूज हो रहा है। कैसे यूज होगा ऑनलाइन टीचिंग, उसमें तो हम लोग एक ही कैमरा लगाते हैं सामने, तो फिर ये कहां से आपका 14 एंगल काम नहीं है? नहीं, अगर आप अगर ऑनलाइन की टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ कैमरा प्लेस होगा आपका। हाँ। ये उस जगह पे आपका प्लेस नहीं होगा। हाँ। वही 255 जो मेमोरीज है वो इसके अंदर भी सेव होती है। हाँ। आपका जो टीचर्स होगा उसको हैंडी रिमोट प्रोवाइड करेंगे, इसका वेब कंसोल प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कि 10 जन एक रूम में बैठे हैं तो 10 फ्रेम आप उनको सेव कर सकते हो। जो 10 जन बैठे हैं उसके ऊपर आपका एंगल शिफ्ट हो जाएगा, कंट्रोलर के लिए एक बंदा बैठेगा बस, या फिर जो लोग बैठे हैं वही कंट्रोल कर सकते। नाइस नाइस। तो अगर आप न्यूज रूम चला रहे हो या एजुकेशन में पॉडकास्टिंग चला रहे हो उसके लिए काम का है। दूसरा है अपने पास ये कैमरा है A5, इसमें आपकी 2 सिम कार्ड इंस्टॉल होगी, एक डोंगल लग जाएगा, ये डायरेक्टली आपका ट्रांसमिशन कर देगा यूट्यूब एंड फेसबुक पे। अच्छा, तो ये कैमरा आप लगा दीजिए, डायरेक्ट आपका यूट्यूब पे लाइव जाएगा या यूट्यूब पे स्ट्रीम होगा? स्ट्रीमिंग हो जाएगा, इसमें आपका लोगो भी इंसर्ट हो जाएगा, प्लस इसमें आपका स्टॉल्स भी रन होगा। ये कितने का पड़ता है? ये 69,000 का है। अच्छा अच्छा, ओके। और इसके अंदर कितना जीबी का कार्ड वगैरह लगता है? इसमें 256 GB का स्टोरेज कार्ड है जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो, प्लस इसमें जो रिकॉर्डिंग होगी 4K में रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसमिशन आपका HD में होगा। अच्छा, और कैमरा कितना मेगापिक्सल का लगा? ये आपका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 72mm अल्ट्रा वाइड एंगल होगा इसमें, प्लस 3x डिजिटल जूम होगा। नाइस नाइस। दूसरा है अपने पास ये बॉन्डिंग एनकोडर, इसमें आप एक 5G की सिम लगेगी, 2 4G की, एक डोंगल, एक लैन और एक वाईफाई, 6 नेटवर्क का इसमें एग्रीगेशन है। यहाँ पे आप अपने कैमरे का आउटपुट दीजिए और सीधा ये स्ट्रीमिंग कर देगा आपका सोशल नेटवर्क्स पे या किसी टीवी चैनल्स को देना। सर, ये चीज इसमें भी हो गया तो इसमें मैं क्यों जाऊं? मैम ये टीवी चैनल्स के लिए भी यूटिलाइज होता ना, अगर आप 72mm अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर शॉट्स लेके आपका कैमरा में यूज कर रहा है तो उस जगह पे सिर्फ एक गो थ्रू में कर सकता है, बट जब आप प्रोफेशनल कैमकॉर्डर्स पे जा रहे हो या स्टिल कैमरे पे जा रहे हो तो उस जगह पे आपको ये डिवाइस लगेगी। तो ये बॉन्डिंग डिवाइस है, ये बॉन्डिंग एनकोडर है। जिन को भी नहीं पता, बॉन्डिंग एनकोडर का मतलब है कि आप जो है बहुत सारे जितने भी रहेंगे वो साथ का एक साथ करने से वाईफाई की तरह काम कर लेता है और स्ट्रीम कर लेता है डायरेक्टली यहाँ से। ये 950 सो अभी जो आप देख रहे हो वुडन कार्विंग किया है, ये थोड़ा सा हम लोग को यूनिक लगा, 950 रुपए में जो है ये चीज बेच रहे। तो अभी जो है वापस यहाँ पे जो है अलग अलग एल्बम्स की डिजाइन इन्होंने यहाँ पे प्लेस की है, एज यू कैन सी अलग अलग एल्बम्स है। पहले वाला एल्बम हम लोग देख रहे हैं जो पार्थ को पसंद आया, अभी आप देखिए यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा पूरा खुलने वाला एल्बम है एक्रेलिक का, और उसके ऊपर उन्होंने 2 एल्बम यहाँ पे बनाया है, जो प्रेजेंटेशन है वो काफी रॉयल लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ये लोग ने एक फिल्म सिटी लॉन्च किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग जो फिल्म स्टूडियोज है उन्होंने बनाया है। आपका कहाँ पे पड़ता है ये, कहाँ पर है आपका? कौन सा? बेगम कपड़ोज रोड पे। ये कहाँ पे आया, कौन से एरिया? डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद से 40 किलोमीटर। अच्छा, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर जो है इन्होंने ये सेटअप बनाया है। इसका प्राइसिंग किस हिसाब से है? 17,000 रूपए है फुल डे का। फुल डे का 17,000 रूपया, और अगर हाफ डे करवाया तो 10,000 रूपया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने देखो ऐसा स्ट्रीट्स वगैरह सारी चीजें बनाई है ये सारा। अभी जो है हमारे साथ जो है सुरेंद्र शाह जी है, ये जो है प्रेसिडेंट है CGPTIA के। आज इनसे हम लोग कुछ ऐसी बातें सुनेंगे कि ये जो हम लोग आपने शुरू किया, जो CGPTIA शुरू किया, क्यों किया, किस लिए किया, एंड आपको इसके क्या बेनिफिट्स आज मार्केट में दिख रहे हैं। शुरू में क्या था, मैं एक्चुअली ये फील्ड में लास्ट 40 साल से हूँ, करीबन 82 से शुरू किया था ये लाइन में मैंने बिजनेस, और उस समय इंडिया में नहीं सिर्फ फॉरेन में जर्मनी में ही एग्जीबिशन होते फोटो की ना होता था, और उस समय मैं लगातार उस समय जाता था मैं। फिर उसके बाद
ऑल इंडिया फोटोग्राफी ट्रेड एसोसिएशन है, उसमें भी मैं कमेटी मेंबर था, AIPTA में मैं गुजरात का कमेटी मेंबर था वहाँ पर। वहाँ से हमने शुरू किया, फिर वो दिल्ली और पहले मुंबई में चालू किया। एक साल मुंबई में होता था, दूसरे साल दिल्ली, तो दो साल शुरू में तो 8-10 साल तो बॉम्बे में शुरू किया था। जी, वो फोटो की ना देख के हम सब लोगों ने ऐसा सोचा, सभी स्टेट के लोगों ने, कि ये एक्टिविटी अपने को इंडिया में करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जिससे कुछ फोटोग्राफर ऐसे है कि वो फॉरेन नहीं जा सकते, खर्च के हिसाब से भी, वीजा के हिसाब से भी, और नॉलेज के हिसाब से भी, लैंग्वेज के हिसाब से भी, तो वहाँ नहीं जाते थे। इसलिए हमने ये बॉम्बे में पहले शुरू किया, ऑल इंडिया फोटोग्राफी ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के नाम से वो चालू ही था। मैं वहाँ पर करीबन 15 साल कमेटी में रहा। अभी 2018 में चंद्रकांत जी, जयंत सत्य, तो फिर हमने 2005 में यहाँ एसोसिएशन बनाया गुजरात का। गुजरात में एसोसिएशन बनाने के बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में सब बैठ के बात करते थे, सब इकट्ठे होते थे। पहले तो अलग अलग थे, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, एसोसिएशन बनाना थोड़ा मुश्किल कठिन। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, एक दूसरे से पहचान बढ़ती गई, फिर उसके बाद में हमने 2005 में एसोसिएशन बनाने के बाद में ऐसा सोचा कि भी बॉम्बे में होता है, दिल्ली में भी होता है, वहाँ भी आने जाने का खर्च तो है ही, फिर भी गुजराती में, गुजराती लैंग्वेज में ज्यादा समझ में आता है लोगों को। और गुजरात, अभी जैसे कि मेरे को एल्बम बनाना है, मैं गुजरात रहती हूँ तो मैं मुंबई वालों को दूँ, उससे बच्चे मैं गुजरात वाले को दे दूँ, आसान पड़ता है। आसान पड़ता है। और उसी हिसाब से ऐसा सोचा कि भी ऐसी एक्टिविटी, अगर ये फोटोग्राफी का एग्जीबिशन का प्लेटफॉर्म जो है वो गुजरात में क्यों ना शुरू किया जाए। तो 2011 में हमने 9 और 10 में एक दो एसोसिएशन से शुरू करके किया था। फिर उसके बाद 11 में हमारे प्रेमल मेहता से मुलाकात हुई, उनको एग्जीबिशन करने का प्रैक्टिस था, उनको करनी भी थी एग्जीबिशन, और उसको फोटोग्राफी ट्रेड में आना था, तो फोटोग्राफी ट्रेड वाले हमारे साथ जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2011 में हमने ये एग्जीबिशन उनके साथ में शुरू किया। फिर ये एग्जीबिशन प्लेटफॉर्म लोगों को नॉलेज में आने के लिए अलग अलग सिटी के एसोसिएशन से कॉन्टेक्ट किया, जो गुजरात की, क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप ऐसा एग्जीबिशन करते हो, ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जीबिटर पैसा तभी डालेगा जब उसको ऑडियंस मिल रही है, इसीलिए तो आ रहा है। ऑडियंस बढ़ाने के लिए हमने रास्ते निकाले कि चलो पहले वहाँ के एसोसिएशन से कॉन्टेक्ट करें। वहाँ एसोसिएशन कॉन्टेक्ट करने के बाद में वहाँ वर्कशॉप करना शुरू किया, तो उनको ऐसा लगे कि भाई CGPTI कुछ एक्टिविटी करता है, फोटोग्राफर को लिए वर्कशॉप दिए, तो वर्कशॉप की वजह से लोगों को पता चलता है कि भाई ये है कोई ऐसा एसोसिएशन है, नाम होता है, नाम होता है, नाम बढ़ाने के लिए, उसको फेमिलियर करने के लिए वो वर्कशॉप शुरू किए। उनको बताया कि भाई हमको यहाँ पे वर्कशॉप करने के बाद में ये एग्जीबिटर्स को बुला के यहाँ एग्जीबिशन करना है। फिर एग्जीबिटर्स से कॉन्टेक्ट किया, हमारे पुराने पहचान भी थी, तो उस हिसाब से सबको कॉन्टेक्ट करके थोड़ा, जब गुजरात में अहमदाबाद में कन्वेंशन सेंटर जो यूनिवर्सिटी का है, पहले वहाँ शुरू किया था, कभी ये जगह बाद में बनी है, वो जगह शुरू किया, तो वो जगह लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिला, एग्जीबिटर्स को भी मिला, फोटोग्राफरों को मिला, वो बढ़ता गया। तो उस हिसाब से एसोसिएशन का भी नाम हुआ, यहाँ के एग्जीबिटर्स जो थे वो भी जुड़े, फोटोग्राफरों को भी अच्छा लगा तो आने लग गए। फोटोग्राफर को आने जाने की व्यवस्था में भी थोड़ी तकलीफ पड़ती थी, तो हमने उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू किया कि भाई फोटोग्राफरों को छोटे छोटे गांव से सीधे आने के लिए, हमारे मेंबर भी वहाँ लैब वाले और ट्रेड्स वाले थे, उन्होंने भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, एसोसिएशन ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो उस हिसाब से फोटोग्राफरों को फ्री में यहाँ से उनके स्पॉट से ये स्पॉट तक आने के लिए एकदम सुविधा मिल गई। तो जो फ्लो आना चाहिए, जो अपने आप आते थे उससे दुगना हो गया, बिल्कुल बढ़ गया, उससे दुगना हो गया, कभी उनको तकलीफ ही नहीं थी, बस में बैठो, यहाँ उतरो, यहाँ से एग्जीबिशन देख के बस में बैठो, वापस वहाँ चले जाओ, तो उस हिसाब से लोग ज्यादा हो। सिर्फ आप जब एग्जीबिशन में जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप खरीदते ही हो, आप बहुत बहुत सीखते हो। आज इतने टाइम में एग्जीबिशन में घूमी हूँ, आप कुछ ना, क्योंकि हर एक एग्जीबिटर कुछ नया लेने की बहुत ट्राई करता है, वो कितना लैंड होता है वो बात का बात है, पर वो नया लाने की बहुत ट्राई करता है। एंड एज अ कस्टमर, कोई कस्टमर हमारे से ज्यादा होशियार नहीं होता है, हम उससे ज्यादा होशियार रहते हैं, पहला ये। दूसरा, एक एग्जीबिटर को ये पता होता है कि भाई ये नया कस्टमर आया, इसको क्या चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, तो दोनों मालूम पड़ती है, हाँ डिमांड मालूम पड़ती है। आई गेस ऐसे करके जो है आपका नेटवर्क अपने ही स्टेट में बढ़ जाता है, आप बाकी के स्टेट से गुजरात टू गुजरात कनेक्ट कर पाते हैं। और दूसरा क्या था, एग्जीबिटर्स को भी जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था
कभी जहाँ मैं फोटोग्राफर से कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट करूँ, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में आने के लिए फोटोग्राफर और कंपनियों के बीच में ये एक सूत्र था कि जिससे वो एक दूसरे को जान सकते थे। इसलिए एग्जीबिटर से भी हमको इसलिए रिस्पॉन्स ज्यादा मिला कि दिस इज ओनली द प्लेटफॉर्म, कि वहाँ वो डायरेक्ट फोटोग्राफर से लॉन्च करना है, किसी से डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नई बतानी है तो उसके लिए उससे अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो इसलिए एग्जीबिटर से भी रिस्पॉन्स मिला, फोटोग्राफर से भी रिस्पॉन्स मिला और बढ़ता गया। एसोसिएशन में भी हमने गुजरात के हर एक शहर से हमारे रिप्रेजेंटेटिव मतलब कमेटी मेंबर बनाए हुए हैं, अच्छा जोन वाइज बनाए हुए हैं, तो हमारे को कोई भी मैसेज भेजना है तो वो मेंबर के थ्रू डायरेक्ट भेज सकते हैं। पूरे गुजरात में भी 200 से ज्यादा मेंबर है और सिर्फ एक ही सिटी के नहीं है, पूरे गुजरात के, और एक्टिविटी भी हमारी होती है, बाहर भी जाते हैं, एक दूसरे का गैदरिंग भी होता है, फैमिली भी गैदरिंग भी होता है, तो बॉन्डिंग बढ़ जाता है, बॉन्डिंग बढ़ जाता है, एक अपनापन क्रिएट हो जाता है, जाता है, तो उस हिसाब से वो लोगों को भी मेंबरों को भी अच्छा लगने लग गया, उनको जो भी काम हम देते हैं वो करने भी लग जाते हैं, जी जान से काम करते हैं, इसीलिए रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक जो जो भी ब्रांड्स ऐसी है, यू नो जो नए ब्रांड्स है, स्टार्टअप्स है, जैसे एआई का बहुत जमाना है, काफी सारे सॉफ्टवेयर वाले हैं जो एआई बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि यार मैं ऑनलाइन ही अपनी मार्केटिंग कर लूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छी बात है, पर ऑनलाइन में ना वो कितने चीजें हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, कभी हम उनको पर्सनली पता नहीं होता तो विश्वास भी नहीं होता कि बराबर चलेगा क्यों भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप गुजरात में एक्सपांड करना चाहते हैं, गुजरात में फोटोग्राफी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, यहाँ की शादियों में ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं एज कंपैरिजन में, तो वेडिंग मार्केट भी बहुत बड़ी है, सो ओवरऑल अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आपको सेल करना है और गुजरात की मार्केट कवर करना है, यू नो द राइट पर्सन, आप डायरेक्टली इनके टच में आके यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं। और जो जो भी गुजरात के फोटोग्राफर है, अगर आप ऐसे ऐसी चीजें मिस करते हो तो आपकी गलती है, आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। सालाना एक दो दिन ही ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको अपडेट कंपनियां खुद कर रही है और आप हो गए घर पे बैठे हो, बेहतर हो कि यहाँ पे आके एक बार देख लो, ऑफ सीजन में ही रखते हो, वैसे ऑफ सीजन में ही होता है, हमेशा ऑफ सीजन में होता है, कि उस समय फोटोग्राफर भी फ्री होते हैं, कंपनियां भी फ्री होती है, मैरिज सीजन में फोटोग्राफर भी नहीं आएंगे, इसलिए ऑफ सीजन के एकदम पहले है, कुछ नया खरीदना है तो पहले देख के आइडिया आ जाता है, उसके बाद बजट भी होता है, वो बजट होता है कि पैसा यूज करना है लेकिन कहाँ करना तो प्रॉपर ज्ञान मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सोचूं कि मेरे को निकॉन का लेना चाहिए, सोनी का लेना चाहिए, दोनों कंपनियां देख लो जाके, रिव्यू कर लो और जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, हम पर्सनली देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने जो अभी एफर्ट दे रहे हो वो बहुत ही मतलब बहुत प्राइसलेस है, काफी सारे फोटोग्राफर्स आपको पता नहीं कितनी दुआएं आपके एसोसिएशन को लग रही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अभी हमारे साथ जो है CGPTIA, जिन्होंने ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन क्रिएट किया है, बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है, इनके जो ऑनरेबल सेक्रेटरी है संजय भाई पटेल जी, वो हमारे साथ यहाँ पे है और आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे जो है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन है वो क्या काम करता है, क्यों एक फोटोग्राफर को ये एसोसिएशन ज्वाइन भी करना चाहिए और यहाँ पे आने के बेनिफिट्स क्या है। सो सर हमें ये बताइए कि आज आपका ये एग्जीबिशन काफ़ी हिट रहा, तकरीबन 6,000-7,000 जन का फुटफॉल है, इतने सारे लोग आज आए हैं, ज़्यादातर गुजरात से आए हैं और आई एम श्योर बाकी सारी सिटीज से भी जुड़े हैं। सो आप ये कहिए कि एक एग्जीबिटर को यहाँ पे आके क्या फ़ायदा है और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं या जो गुजरात के लोग हैं जो अभी तक नहीं आ पाए, कि आई एम श्योर दो दिन और ये एग्जीबिशन होने वाला है, उनको यहाँ पे आके क्या बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम संजय पटेल, CGPTIA सेक्रेटरी। आपने जो बताया कि ये फोटो फेयर के पहले दिन पे जो क्राउड है, ऐसे नॉर्मली हमारा CGPTIA एसोसिएशन ये 2011 से ये एग्जीबिशन करते आ रहा है और CGPTIA और आकार एग्जीबिशन जॉइन में ये लास्ट 10 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ का जो फुटफॉल और एज ए एग्जीबिटर्स, हम ऐसा 100% बोल सकते हैं कि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन कहलाता है। मेनली ये एसोसिएशन जब हमने बनाया तब हमने एक हमारे एसोसिएशन मेंबर को ध्यान में रखते हुए एस्टाब्लिश किया था, जिसके अंदर हम सेल टैक्स और वेट के रिलेटेड जो भी इशू थे उसके सामने लड़के उसको सॉल्व करके आगे बढ़े थे। पर उसके बाद हमने ये बैनर के तले ऐसा सोचा कि क्यों ना हम हमारे गुजरात के फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मित्रों के लिए कुछ ऐसा यहाँ प्लेटफॉर्म लाए जिसके लिए हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मित्रों को यहाँ से टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए, उनको अपडेशन के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए बॉम्बे दिल्ली जाके ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, वो इन्वेस्ट ना करते हुए यहीं उनको ये प्लेटफॉर्म मिले।
क्योंकि आज अगर वो मुंबई या दिल्ली आते भी है तो कितना आने जाने रहने का खर्चा हो जाता है, काफी लोग आ भी नहीं पाते हैं टाइम के कारण। पर ये जो है गुजरात से गुजरात हो जाता है, काफी सारे गाँव छेड़े से आप बस प्रोवाइड भी करते हो उसके लिए। एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट को लेके हमने ऐसा प्लान किया कि यहीं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके साथ टाइप किया और उनके साथ उनको बुलाया और यहाँ हमने एक गेट टुगेदर रखा और बोला कि भाई गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ मेनली आप ऐसे देखने जाओगे टेक्नोलॉजी वाइज और एज अ इन्वेस्टर इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पे है टेक्नोलॉजी वाइज और इन्वेस्टमेंट के बाबत में हर एक कंपनियों में। तो उसको देखते हुए हर एक कंपनियों मल्टीनेशनल कंपनी ने जैसे सोनी निकॉन पैनासोनिक फ्यूजी फिल्म कैनन और सारी बहुत सारी कंपनियाँ हैं कैमरा से अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर एचपी एप्सन सभी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और 2011 का जो हमारा एग्जीबिशन है सुपर डुपर सक्सेस रहा और उसके बाद कभी भी हमारे को किसी को बोलना नहीं पड़ा, अपने आप लोग आते रहे, अपने आप इन्वेस्ट करते रहे, हमारा स्मूथ वे में चलता रहा। और मेनली ये एसोसिएशन हमेशा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के हित में ही सोचता रहा है क्योंकि ये एक एसोसिएशन एक लौता है जो आम छोटे छोटे गांव में जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बैठे हुए हैं उनको भी यहां तक लाने के लिए हमने स्पेशल बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से हम उनको पैसा देते हैं और उसके अलावा ये जो एग्जीबिशन होता है वो एग्जीबिशन में से जो भी अर्निंग होती है वो अर्निंग को पूरे साल के दरमियान हम फोटोग्राफर जो हमारे साथ करीबन 150 से ज़्यादा एसोसिएशन हमारे साथ टाइप है गुजरात भर में 150 अलग अलग फोटोग्राफर एसोसिएशन है गांव 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 के या शहर शहर के उस सब आपके साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ रजिस्टर है। वो एसोसिएशन को हम पूरे साल के दरमियान अलग अलग जो भी उनकी डिमांड होती है जो भी उनको सपोर्ट चाहिए जैसे वर्कशॉप एक्टिविटीज हो गया पर्सनल लेवल पे कुछ उनके प्रोडक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड हो या कुछ भी हो वैसे वर्कशॉप करते हुए हम उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और साल के अंदर करीबन 50 से ज़्यादा वर्कशॉप करते हैं। और कभी भी ये एसोसिएशन के कोई भी पर्टिकुलर उसकी उम्र 50 साल से कम हो और उसको आकस्मिक कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हमारी एसोसिएशन की तरफ से 50,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल ये एसोसिएशन जो एक्टिविटी करती है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एसोसिएशन के अंदर जो 200 मेंबर हैं ना वो सारे इन्वेस्टर हैं जो ये इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से ये करना आसान रहता है और सब लोग इन्वेस्ट करते करते ये एक माहौल ऐसा बन गया है कि कभी भी कोई भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को कहीं पे भी कोई भी सिटी में किसी भी की जरूरत पड़ती है तो सीजीबीटी एसोसिएशन के मेंबर उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे सारे फोटोग्राफर्स में यूनिटी हो सके एंड एट द सेम टाइम हमारे फोटोग्राफर कम्युनिटी का जो है वेलफेयर हो सके जो है उनका भला हो सके। तो आप लोग जो है जो काफ़ी सारे यंग जनरेशन के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ठीक है इंस्टाग्राम में एक दूसरे का देख लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ऐसे सारे एसोसिएशन से जुड़ना चाहिए ताकि पहली बात आप YouTube Instagram पे हम चाहे कितना भी रिव्यू कर ले पर आप खुद उसको पकड़ के देख नहीं पाते हो। पर ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स है पर हमें उसकी एक रिक्वायरमेंट बहुत सारी एक्सेसरीज वाइज रिक्वायरमेंट रहती है वो सारा आप यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो और टच एंड फील कर सकते हो। उसके उपरांत ये होता है कि जब आप ऐसे एसोसिएशन से जुड़ते हो आप इनके थ्रू जो है वर्कशॉप्स आज मेरा अकेले का नहीं काफ़ी सारे यहाँ पे मेंटर्स भी सुबह को आए थे उन सभी का पूरे गुजरात में वर्कशॉप्स हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि जो वर्कशॉप्स की फीस एटलीस्ट हम जो है 5,000, 10,000, 15,000 एक जन के पास चार्ज करते हैं वही चीज़ एक पर्सन के लिए 200-400 रुपए में हो जाती है, वही ज्ञान आपको मिलता है। सो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ हो जाता है एंड नेटवर्किंग एनवायरनमेंट ओवरऑल विन-विन सिचुएशन में सबका बेनिफिट्स है। हाँ, क्योंकि सबसे पहले फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का बेनिफिट्स होगा उसके बाद इन्वेस्टर का बेनिफिट्स होगा और कंपनी का अपने आप होगा। उससे ज़्यादा ये आज ये आपके माध्यम से मैं एक तो सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ और दूसरा कि आज ये इनॉग्रेशन में हमने करीबन फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ के और कंपनी के बैनर तले जितने भी मेंटर है जो लोग आज की तारीख में अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे उनका भी हमने आज बहुमान किया। उसके अलावा गुजरात राज्य सरकार ने गौरव पुरस्कार दे के जिनको फोटोग्राफी कैटेगराइज में बहुमान सम्मानित किया है वो लोगों को भी बुला के यहाँ हमने उनको रिस्पेक्ट किया। ओवरऑल हमारा ये सब करने का मेन रीज़न एक ही है कि आगे जाके सीजीपीटीआई के फ्यूचर प्लान डिजिटलाइजेशन के आगे लोगों को जोड़ना है। जैसे हमने अभी रिसेंटली एक हमारा सीजीपीटीआई व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जो लॉन्च किए हुए एक महीना ही हुआ जिसके अंदर करीबन 12,000 से ज़्यादा फोटोग्राफर जुड़ चुके हैं। वाओ। इसके अलावा सीजीपीटीआई के बैनर तले हमने फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, यूट्यूब चैनल और हमारी खुद की वेबसाइट हमने क्रिएट की है कि जो जिसके माध्यम से आगे आप जैसे मेंटर से कनेक्ट होके उनसे साथ टाइप करके कुछ ऐसा वर्क करें कि जिसकी वजह से आने वाला टाइम ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही चलने वाला है। तो वो माहौल में
हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हमसे जुड़े रहे और हम ऐसी एक्टिविटी करते रहे कि जिसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ और ओवरऑल ट्रेड को बेनिफिट हुआ। सो ये तो है ही, तो जो भी अभी जो है इनका व्हाट्सएप ऑलरेडी रनिंग है, ऑफकोर्स इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आप फॉलो तो कर ही सकते हो जो इन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब दिखाया, बट एट द सेम टाइम इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात लगा। और जब सुबह को हमारा बात हो रहा था यहाँ पे तो इन्होंने एक चीज़ बताई कि काफ़ी सारे जो फोटोग्राफर्स है व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसीलिए जो है उन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च भी किया है। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी बार हम लोग नेटवर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आप फ्री हो तो किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको मिल जाता है, कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई वर्कशॉप है, उस सब के बारे में आपको पहले पता चल जाएगा, काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस डायरेक्टली एक व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करना है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक उनका QR कोड है वो भी आपको दिखा दूंगी, आप स्कैन करके डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हो और आपको अभी डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा कि वो व्हाट्सएप नंबर कौन सा है। सो आप CGPTI से उस तरफ से व्हाट्सएप पे अभी तुरंत ही ज्वाइन हो सकते हैं। यस यस ऑफकोर्स, और ऐसे ही हम आगे भी ऐसी एक्टिविटी करते रहेंगे, ऐसे एग्जीबिशन करते रहेंगे कि जिसकी वजह से ये माहौल बना रहा है इंडस्ट्री में, जो कुछ भी लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लोकल में ही सब कुछ मिल जाए, ऐसे ही आगे हम काम करते रहेंगे। फिर से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो अभी जो है हमारे साथ जो है पंजाबी, मिस्टर पंजाबी जी है, और ये जो है पूरे का पूरा फोटो वीडियो के जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं आकार एग्जीबिटर्स थ्रू, ये सारा जो है वो ये अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आज जो है हम लोगों ने ये पूरा एग्जीबिशन देखा, आपको क्या रिस्पांस लगा, आपको किस हिसाब से लगा, जो आपने स्टॉल्स सोचे थे कि हर साल इतने स्टॉल्स होने चाहिए, उस हिसाब से आपका क्या रिस्पांस है? जैसा हमने सोचा था स्टॉल्स उस हिसाब से तो हैं, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत सालों के बाद ये एग्जीबिशन को बहुत साल हो चुके हैं अभी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्री फटीक कहते हैं वो हमें अभी दिख रहा है इसमें, कि कई ऐसे स्टॉल्स हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे स्टॉल्स हैं जो यहाँ पर आए हैं पर उनका साइज छोटा है, जैसे कि पैनासोनिक का पहले बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ करता था, उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी या उनके खुद के स्ट्रेटजी होंगे या जो भी होगा, उनके स्टॉल्स अभी थोड़े से छोटे हो गए और उसी वजह से शायद फोटोग्राफर्स को ये लग रहा है कि ये एग्जीबिशन धीरे धीरे छोटा हो रहा है, इतना बड़ा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आए हैं वो सारे टेक्नोलॉजी चेंजेस को लेकर सारे एग्जीबिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं और उसको देखने के लिए सारे फोटोग्राफर उत्सुक हैं। इसी वजह से जितने भी हमारा जो पिछले साल का फर्स्ट डे का जो क्राउड फुटफॉल था उससे आज हमारा डेढ़ गुना फुटफॉल है। वाओ, तो कितना है अंदाज से, कितने लोग आए? मेरे ख्याल से अभी तक 6-7 हज़ार लोग अंदर एंटर हो चुके हैं और ये यूनिक एंट्री होगा अगर हम लोग उसको मतलब 2-3 बार आना जाना गिन लें तो दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 9 हज़ार करीब होगा, जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनके जिन्होंने अभी पेड रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो सब गिन के हम लोग देखें तो। एंड जो भी लोग अभी जैसे कि 6,000 यूनिक एंट्रीज है, इतने सारा फुटफॉल है, आई गेस गुजरात से नहीं, काफी सारे जगहों से लोग आ रहे हैं, मोस्टली गुजरात, 80% लोग गुजरात से आते हैं, गुजरात से 20% लोग महाराष्ट्र से, हम देख रहे हैं MP से भी हैं, इंदौर से भी, इंदौर से भी बहुत सारे लोग हैं, नागपुर की ओर से आए हैं, अमरावती से हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों ने प्रमोशन किए हैं वहाँ से काफी सारे लोग आए हैं। और स्टॉल का क्या रिस्पांस है, जब आप उनसे पूछते हो तो उनको किस हिसाब का रिस्पांस लगा है? बेसिकली किसी भी एग्जीबिशन में क्या होता है, अगर 2,000 या 3,000 लोग आते हैं या 6,000 लोग आते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि उनके स्टॉल पर उनके काम के 100-200-300 लोग आ जाएं जिससे उनका काम हो जाए, वो बेसिकली आज हमें दिख रहा है उनके चेहरों पर कि वो उनका काम हो चुका है। ओके, पहले 3-4 घंटे हुए एग्जीबिशन में और ये फील अभी तक आ गया है कि उनका जो पर्पस से उन्होंने स्टॉल लगाया था वो पर्पस अभी सॉल्व हो गया। तो यूजुअली यही एक मोटिव रहता है कि अगर हम स्टॉल लगाए तो हमारा जो है कनेक्शन बढ़े, नेटवर्किंग हो और एटलीस्ट जो है हमें हमारे काम के कुछ लोग मिल जाए, जिससे हमारा आने वाला जो साल है, जैसे वेडिंग सीजन अभी आ रही है, वेडिंग सीजन के पहले ही इसको रखा गया तो हमारी आने वाली वेडिंग सीजन में इसका काफ़ी काम आए, राइट? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला आदमी सोचता है कि उसके पास जो स्टॉक पड़ा है, जो नया स्टॉक लेकर आया है, वो बिक जाए। दूसरा उसका मोटिव होता है कि उसका नेटवर्क थोड़ा एक्सपांड हो। और तीसरा उसका वो रहता है कि जो और बिजनेसेस, जो और उनके कॉम्पिटिटर्स हैं और जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का जो नेक्स्ट मूव होता है वो लोग यहाँ पर आकर गेज करते हैं और वो लोग एजुकेट करते हैं अपने आप को भी और उनके कस्टमर्स को भी कि नेक्स्ट लेवल में वो लोग क्या लेकर आना चाहते हैं। ये 3 पर्पस इससे चलता रहता है। आपने देखा होगा एग्जीबिशन अभी बहुत सारे हो रहे हैं इंडिया में, ये मेरे ख्याल से नवरात्रि से पहले ख़त्म होने वाले ये बड़े एग्जीबिशन में आखिरी एग्जीबिशन है।
तो यहाँ पर लोगों का अभी जो पिछले चार पांच एग्जीबिशन हो गए, जैसे कि चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई में भी होने वाला है, मुंबई से जो होता है वो शुरुआत नहीं होती है, वो एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि हर कैलेंडर ईयर में वो लोग नया सामान आते हैं, चाइनीज लोग भी नया इंट्रोड्यूस करते हैं, जापानीज भी अपना नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, क्योंकि नए साल में नए लॉन्चेस होते हैं, तो दैट इज डिफरेंट, पर वो नए साल में गिना जाएगा। इस साल को अगर हम गिने तो ये सबसे बड़ी एग्जीबिशन में ये आखिरी एग्जीबिशन होगी, जिसकी वजह से लोग अपना अगला सीजन इसी में से निकालते हैं। मुझे ये बताइए कि जितने भी आज हमारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, राइट, उसमें काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं, काफ़ी रेपिटेटिव ब्रांड्स भी होते हैं, मतलब जो अगर बैग बेच रहे हैं तो बहुत सारे लोग बैग बेच रहे हैं, अगर एल्बम बेच रहे हैं तो एल्बम बेच रहे हैं, तो आप उनको पहले से प्रपोज करते हो कि आप ये सारी चीज़ें कुछ नए लेके आओ ताकि आपका मार्केट यहाँ पे कंज्यूम हो, या तो फिर वो अपने हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें प्लेस करें? वैसे नहीं होता, इसमें बेसिकली फोटोग्राफी अभी लोकलाइज्ड बिजनेस हो गया है। पहले क्या होता था, बॉम्बे और दिल्ली में दो एग्जीबिशन होते थे और पूरे इंडिया के फोटोग्राफर्स वहाँ जाते थे और काम करते थे, डीलर्स भी जाते थे और वहाँ पे जाके माल खरीद मटेरियल प्रोक्योर करते थे, वो भी दो साल में एक बार दिल्ली होता था। अब क्या हो गया है कि जो एग्जीबिटर है उसको हर साल, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया, पहले हमारे इंडिया में मान लो 10,000 लोग फोटोग्राफी करते थे फॉर एग्जाम्पल, तो आज उसकी जगह पे 35,000 लोग फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी फील्ड में जो लोग, कई लोग हैं पैशन के चलते या कई लोग अपने प्रोफेशन के चलते, कई लोग लीनियज की वजह, जिन्होंने पहले उनके पापा मम्मी पेरेंट्स फोटोग्राफी में थे, उन लोगों ने बप किया, वैसे कई लोग पिछले 10 सालों में ये जनरेशन एक आगे आया है, बस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, एज अ जिन्होंने का पैशन था, उन लोगों ने भी उसको कन्वर्ट कर दिया इंटू फुल टाइम। और फोटोग्राफी में अभी बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई है, पहले प्री वेडिंग नहीं होता था, वो बहुत सारे जो इनोवेशन, न्यूबॉर्न मैटरनिटी का ट्रेंड चला है, जैसे ये सारे इनोवेशन जो हैं, ये इनोवेशन पहले नहीं, ये सब इनोवेशन उन लोगों ने लाए हैं जो बाहर से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आए हैं, जो लोग पहले से काम कर रहे थे शायद उन लोगों को ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जो नए लोग आए थे उन लोगों ने इन सब चीज़ों की और लोगों का ध्यान दिया, और जो पुराने लोग थे उन्होंने उसको शायद अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से अभी भी जो पुराने लोग हैं वो लोग एक स्पेसिफिक राह पे ही चल रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं दे आर डूइंग मच बेटर इन फोटोग्राफी देन द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर डूइंग वर्किंग इन द फील्ड सिंस लास्ट 10-20-30 इयर्स। और आई कैन से कि काफ़ी सारे लोग अभी आज इन्वॉल्व हुए हैं, तो एग्जीबिटर्स को भी नया नया जो प्रोडक्ट है वो तो हर साल जब भी एग्जीबिशन होता है तब तो लॉन्च करना चाहिए, यू नो काफ़ी लोगों ने किया है, काफ़ी लोग मुझे लगता है कि अगर आप यूनिक करते हो, मतलब एज अ कंज्यूमर मैं जितनी भी बार एग्जीबिशन में जाती हूँ एक ऐसा ही स्टॉल आई कैच करता है जिसका प्रोडक्ट सस्ता है या उसका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, कभी मार्केट में पहले किसी ने देखा नहीं है, या तो इतने सस्ते में उसको कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भी होती है और लोग वहाँ से खरीदते भी बहुत ज़्यादा है। Usually, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है या तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट को कैटर करते हैं, सो आई एम श्योर काफ़ी सारे एग्जीबिटर्स जो है नेक्स्ट टाइम आपके साथ और जुड़ेंगे और ये सारे लोगों को और बेनिफिट होगा और फुटफॉल तो अच्छा है ही। वैसे हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनको भी बेनिफिट मिले। अगर आप वेस्ट हो या दिल्ली से हो तो आप आपका मार्केट गुजरात में एक्सपांड कर सकते हो, गुजरात के लोगों को, जैसे पंजाब में आपका एल्बम है तो आप पंजाब के एल्बम वाले यहाँ पे आके, जैसे कैपिटल बुक चंडीगढ़ से है यहाँ पे आके वो लोग यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं, ऐसे करके जो है पूरे इंडिया में जो है एग्जीबिशन कर करके आपका एक्सपांशन कर सकते हो। और गुजरात इज एन अडॉप्टिव मार्केट, इट इज एन अडॉप्टिव मार्केट, नई चीजें, नया चीज नई चीज दिखती है तो वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से, कर ब्रॉड माइंडेड है, एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छा है, गुड, उसकी वजह से वो लोग यहाँ पर नया। और अब तो क्या हो गया, पहले होता था कि भाई कोई कंपनीज होती थी वो दिल्ली या बॉम्बे वगैरह में मतलब अपने बेस होते थे, हाँ। आजकल छोटी छोटी जगहों से लुधियाना से नागपुर से जगह सस्ता है वहाँ पे लोग जाके काम, जगह से भी जिस आदमी के पास कोई प्रोडक्ट की पकड़ है, हाँ। दे आइदर इम्पोर्ट, क्योंकि बहुत कुछ बनता है तो बाहर ही है, वो लोग या तो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं या तो टाइप्स करके लेके आते हैं। और पहले क्या होता था, जैसे बॉम्बे और अहमदाबाद में सारी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, आजकल वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स अगर हम देखें तो छोटी छोटी जगहों पे लुधियाना से, सांगली से, मतलब जैसे छोटी छोटी जगहों से ऐसे उभर के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो फोटोग्राफी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको भी मौका मिल रहा है, इंटरनेट हर जगह पे पहुंच गया है, सब पहुंच गया है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज सबके पास है, ठीक है। सो ये जो एग्जीबिशन है और दो दिन होने वाला है, सो आई एम श्योर काफ़ी लोग जो गुजरात से है वो ऑलरेडी जल्द से जल्द यहाँ पे आके देख सकते हैं, और जो बाकी की जगहों पे रहते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं आने के लिए। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। बोला था हाँ।